और अभी आपको बताएं कि चूनिया में कब्जा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई, 600 किनाल सरकारी अराजी को वागुजार कराया गया। मजीद जानते हैं आमिर हुसैन से, जी अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की खसूसी हदायत पर चूनी और उसके मजाफात में सरकारी ज़मीनों पर जो गैरकानूनी तौर पर कब्जा किया हुआ था उसको वागजार करवाने का सिलसिला जारी है। अभी तक जो है हज़ारों कनाल राजी जो है वागजार करवा ली गई, जिसकी मालियत खरबों रुपये बताई जा रही है। इस ऑपरेशन को जो इसका ऑपरेशन डीसी कुदूर अज़हर हयात और चूने के असिस्टेंट कमिश्नर अदनान बदर की ज़ेर निगरानी हो रहा है। मेरे साथ इस वक्त अदनान बदर मौजूद, आइए इनसे जानते हैं। टोटल जो हमारे पास सरकारी अराजी है उसमें से हमने तकरीबन 6000 कनाल से भी ज़्यादा की अराजी जो है वो वागुजार करवा ली है। उसमें से तकरीबन जो 1000 कनाल है वो अर्बन एरिया में आती है, और अगर इसकी आप मालियत का अंदाज़ा लगाएं तो ये अरबों और खरबों रुपये तक जाके बनती है। इसको मैं खुद सुपरवाइज़ कर रहा हूँ, डिप्टी कमिश्नर कसूर इसको सुपरवाइज़ कर रहे हैं, और इसके अलावा जो मीडिया है वो भी इसको देख रहा है, सिविल सोसाइटी इसको देख रही है। लिहाजा अब जो है कब्ज़ा करने की जो कोशिश है वो मेरे ख्याल में बहुत ही कम है, और इसको अगर हुई तो नाकाम बना देंगे। और इनका ये दावा है कि इंशाल्लाह अब जो ज़मीन है ये गरीब और मुस्तक लोगों को दी जाएगी, ना कि वही जो पुराने माफिया है वही कब्ज़ा ग्रुप है उनके हाथ में आएगी। जी वजीर।